Good morning everyone. We have learned working of input process output in the previous chapter. Okay. Now let's have a look at the input devices and output devices used with the computer. Okay. Let's start. First, input devices. Input devices are used to give instructions to the computer in the form of numbers, words, letters or pictures. ओके इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं वो इंस्ट्रक्शन सप्लाई करते हैं टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ किसके जैसे तो वो वर्ड्स नंबर्स और पिक्चर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर डिस्कस बिलो इन द लेसन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इनपुट डिवाइसेस समझ में आया इनपुट डिवाइसेस मतलब क्या जो डिवाइसेस हमें हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को पास करने के लिए उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस ओके तो ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं वो हम इस लेसन में सीखेंगे आज फर्स्ट वन इज अ कीबोर्ड सबको पता है कीबोर्ड ओके हाउ मेनी कीज अ कीबोर्ड हैज वी लर्न इन अ फर्स्ट स्टैंडर्ड नो गुड देयर आर 104 कीज ऑन द कीबोर्ड सो अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस which is used to give input to the computer in the form of letters or numbers. Keyboard पे जो buttons होते हैं उनमें क्या होता है रे हाँ alphabets होते हैं ना A to Z और numbers होते हैं signs होते हैं ना तो इनके through हम क्या करते हैं instructions computer को देते हैं इसलिए keyboard is a input device. Next है mouse. A mouse is an input device which is also known as pointing डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते होंगे बताओ मुझे हाँ वो पॉइंटर होता है ना एक स्क्रीन पे हाँ तो वो पॉइंटर किसके थ्रू हेल्प मूव होता है कौन हेल्प करता है उसको मूव करने के लिए गुड कौन हेल्प करता है तो माउस हेल्प करता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस माउस ए इनपुट डिवाइस है विच इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस मतलब माउस के दो नाम हैं ओके ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है एक तो पॉइंटिंग डिवाइस और दूसरा माउस नेक्स्ट दिस इज यूज्ड टू इनपुट डेटा ड्राइंग पिक्चर्स एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द 3 बटन्स ऑन इट आपने अगर माउस देखा होगा तो उसमें कितने बटन्स होते हैं 3 बटन्स होते हैं तो ये डिवाइस किस लिए यूज होता है टू इनपुट डेटा एंड ड्रॉ पिक्चर्स ओके यूजिंग ड्रॉ पिक्चर्स सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द 3 बटन्स ऑन इट माउस में जो 3 बटन्स होते हैं एक लेफ्ट बटन राइट बटन और बीच में जो होता है इन सेंटर वो व्हील होता है ना इन तीनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं हम डेटा क्या कर सकते हैं कंप्यूटर को दे सकते हैं नेक्स्ट है जॉयस्टिक जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स लाइक अ माउस जॉयस्टिक भी एक माउस की जैसे ही वर्क करती है बट इट इज़ यूज्ड टू प्ले गेम्स जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डिरेक्शन जॉयस्टिक क्या कहीं पे भी घूम सकती है और ये जब आप गेम खेलते हो ना कंप्यूटर पे तो उसके लिए वो क्या होती है हेल्पफुल होती है नेक्स्ट है स्कैनर ओके आप ये सारे पिक्चर्स देखते होंगे आपके टेक्स्ट बुक में भी ये पिक्चर्स हैं ओके अच्छे से देखना और लेसन रीड करना नेक्स्ट है स्कैनर अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस स्कैनर ऑल्सो इज एन इनपुट डिवाइस इट इज़ यूज टू स्कैन इमेजेस फोटोग्राफ्स ड्राॅइंग एट्सेट्रा इंटू अ डिजिटल फॉर्म विच कैन देन बी यूज बाय कंप्यूटर्स ओके स्कैनर क्या करता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है और वो क्या करता है वो इमेजेस पिक्चर्स फोटोग्राफ्स ड्राॅइंग्स को क्या करता है स्कैन करता है मतलब जो पेपर पे होता है ना जो काम वो हमें सॉफ्ट कॉपी के थ्रू स्कैनर के थ्रू सॉफ्ट कॉपी बना के हम उसको कंप्यूटर में डाल सकते हैं इसलिए स्कैनर भी क्या है इनपुट डिवाइस क्या करता है स्कैनर एक बार फिर से रीड करते हैं अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस इट इज़ यूज टू स्कैन इमेजेस फोटोग्राफ्स ड्राॅइंग्स एट्सेट्रा इन टू अ डिजिटल फॉर्म विच कैन देन बी यूज बाय कंप्यूटर्स ये हम बाद में कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं ये स्कैनर करता है नेक्स्ट है वेब कैमरा बेटा वेब कैमरा अ वेब कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू कैप्चर अ फोटोग्राफ इन टू द कंप्यूटर वेब कैमरा जैसे हम मोबाइल पे करते हैं ना मोबाइल के थ्रू पिक्चर्स कैप्चर करते हैं वैसे ही इसमें वेब कैमरा के थ्रू हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं और कुछ पता है आपको वेब कैमरा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं हाँ जैसे वीडियो कॉल करते हो ना व्हाट्सएप पे वैसे ही वेब कैमरा के थ्रू हम क्या करते हैं चिट चैट कर सकते हैं दूर बैठे लोगों से हम क्या कर सकते हैं उनको देख सकते हैं उनसे बातें कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है माइक्रोफोन
माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज ऑल्सो नोन एज अ माइक, इट टेक ऑडियो एज एन इनपुट। वो इनपुट क्या लेता है माइक्रोफोन? ऑडियो मतलब हमारी आवाज़, वो इनपुट के थ्रू अंदर लेता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? माइक। ओके, आप सबको पता होगा माइक। तो ये माइक्रोफोन है जो एक इनपुट डिवाइस है और जो ऑडियो को क्या करता है? एज अ डेटा सेव करता है या कंप्यूटर को सप्लाई करता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच गिव द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट। आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? जो भी हम इंस्ट्रक्शन हमने दी है उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है। हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट लेसन में देखा है कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या है। तो वो प्रोसेसिंग सीपीयू थ्रू होती है, तो उसके बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है ना, तो जो रिजल्ट हमें दिखाते हैं उन सारे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो कौन कौन से है ये तो देखेंगे। दे डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इज एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। अंडरस्टैंडेबल मतलब जो हमें समझने लायक हो सकती है, ऐसे वो रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर डिस्कस बिलो। तो यहाँ पे लेसन में हमें दिखाया गया है, दो तीन दिए हैं आउटपुट डिवाइसेस। लेट्स सी। फर्स्ट मॉनिटर। अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट इज ऑल्सो नोन एज वीडियो। वीडियो का लॉन्ग फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। तो ये मॉनिटर किस लिए यूज होता है? टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। अ मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू गेट रिजल्ट ऑन द पेपर। मॉनिटर पे हम रिजल्ट देख सकते हैं, वी कैन सी अवर रिजल्ट एंड अवर वर्किंग ऑन द मॉनिटर। बट ऑन द प्रिंटर ओके वी कैन सी द रिजल्ट, वी कैन सी द रिजल्ट ऑन द पेपर। मतलब जो प्रिंट आउट जो हमारे कंप्यूटर पे वर्क है वो हमें अगर पेपर पे चाहिए तो क्या यूज़ होता है? प्रिंटर होता है। और जो पेपर पे वर्क है वो अगर हमें कंप्यूटर पे चाहिए तो कौन सा पार्ट यूज़ होगा, कौन सा डिवाइस यूज होगा? स्कैनर। वेरी गुड। तो स्कैनर हम उसलिए यूज करेंगे। और प्रिंटर, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू गेट द रिजल्ट ऑन पेपर। ओके, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। नाउ देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ डेज लेजर प्रिंटर आर पॉपुलरली यूज। आपको अब पता चला होगा कि कोरोना टाइम है तो हम जो भी ऑनलाइन सिखाते हैं वो आपको पेपर्स वगैरह, तो आप प्रिंटर के थ्रू उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं ना। मम्मी पापा आपकी प्रिंटर के थ्रू पेपर्स की इमेजेस निकाल के देते हैं ना। तो बहुत सारे प्रिंटर अब मार्केट में हैं, लेकिन लेज़र प्रिंटर है जो पॉपुलरली यूज होता है। नेक्स्ट है स्पीकर। अ स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू प्ले द साउंड स्टोर इन द कंप्यूटर। स्पीकर क्या करता है? जो कंप्यूटर पे स्टोर म्यूजिक होता है वो हमें क्या कर प्ले करने के लिए, हमें सुनने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेडफोन। अब तो हेडफोन यूजुअली सबको पता ही है हेडफोन क्या है। तो हेडफोन इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू लिसन टू ऑल द ऑडियो वॉइसेस। आप मोबाइल पे भी हेडफोन यूज़ करते हो ना, तो वैसे ही हेडफोन ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में जो भी आवाज़ें हैं, जो भी साउंड है, जो भी सॉन्ग्स है वो लिसन करने के लिए हमें मदद करता है। ओके, तो ये थे आउटपुट डिवाइसेस। कौन कौन से? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन। ओके, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। नाउ जस्ट टेक अ क्विक रिकैप। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड वेब कैमरा आर सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड वेब कैमरा। दीज आर फाइव इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, द डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस के थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये कौन से डिवाइसेस हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस हैं। अ स्पीकर कैन प्ले एनी साउंड इन द कंप्यूटर। दिस इज द अवर की क्विक रिकैप। नाउ रीड द लेसन केयरफुली। ओके, स्टिल बाय बाय।